तैयारियां करती है, आप एक बार देख लीजिए। सब ठीक है? इट्स परफेक्ट। अनुपमा जी, अब काव्या और बा तैयार हो रहे हैं, मुझे पूजा में बैठना है। पूजा से पहले वाली विधि तुम करा सकती हो? वैसे भी इतने सालों से तुम ही करा रही हो, तुमसे अच्छा कोई नहीं जानता। कोई पूजा में बैठ रहा हो तो उसे पूजा के लिए तैयार करना भी एक तरह की पूजा ही होती है। मैं करती थी। बाबा, अगर पूजा में कोई भी कमी रह जाए तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। पूजा में कमी रह सकती है लेकिन भक्ति में नहीं। सुनिए, आप वनराज से बात कीजिए, उसे समझाइए ना। इस बार क्या समझाना है? यही कि वो समर पे गुस्सा ना करे, जवान बेटा है, कहीं तोशु जैसी गलती कर दी तो परेशानी हो जाएगी। कैसे समझाऊं? ये दोनों एक बात में एक जैसे हैं। किस बात में? बाप की न सुनने की बात में। समर अपने बाप की नहीं सुनता और वनराज अपने बाप की। एक काम कर, ये जो समझाने का मंत्रालय है तू ही ले ले। मैं तो पहले ही मैदे की कटोरी के लिए वनराज को डांट चुकी हूँ, इस बार आप समझाइए और बारी बारी से समझाना। वनराज को कहो कि गुस्सा छोड़ दे और समर को कहो कि जीत छोड़ दे। वो क्या है कि मर्दों को लड़ने की तमीज नहीं होती। लड़ने की भी तमीज होती? हाँ, और वो तमीज औरतों को होती है। औरतें ना सारा दिन एक दूसरे के साथ चोटियां पकड़ पकड़ कर लड़ती है, पर शाम को एक ही चूल्हे पे साथ में रोटियां पकाती है। औरतों के झगड़े में ज्यादा से ज्यादा चूल्हा बढ़ता है, घर नहीं टूटता है, पर जब मर्द लड़ते हैं ना तो मन से लेके जमीन तक लकीर खींच जाती है और घर टूट जाता है। ठीक है, कोशिश कर देखता हूँ। मैं जानता हूँ वैसे दोनों समझेंगे नहीं, लेकिन एक काम करता हूँ, ये पूजा के बाद दोनों को अलग अलग बिठा के बात करता हूँ। हाँ, दोनों में से कोई एक भी समझ जाए ना तो झगड़े कम हो जाएंगे। भगवान करे ऐसा ही हो। महादेव करे आज की पूजा में कोई विघ्न ना आए। हेलो, जी जी जी, मैं वनराज शाही बोल रहा हूँ। मैंने भेजी थी सीवी जी। नहीं हुआ? अनुपमा, बेलपत्र कहाँ है, धतूरे कहाँ है? मैंने बोला था यहीं पे रखो। ये तो रहे। सब ठीक है? हाँ, सब ठीक है। बस मैं ही ना कर रहा हूँ। 50 जगह जॉब के लिए अप्लाई किया था, सब जगह से रिजेक्ट हो गया। वनराज शाह जिसके अंडर में एक साल में 50 लोग काम करते थे, आज वो बिना जॉब के बैठा हुआ। आधी सैलरी में काम करने को तैयार हूं, फिर भी कोई जॉब देने को रेडी नहीं। भोलेनाथ सब ठीक कर देंगे। अनुपमा जी, बाबूजी से इस बारे में कुछ मत कहना।
मैं नहीं चाहता कि मेरी फैमिली को ये सब पता चले और वो लोग मुझ पर तरस खाए। वनराज की चटपटाहट मैं समझ सकता हूँ। मैं भी रिटायर हुआ था तो ऐसे ही अपने आप को नकारा महसूस करता था। मैंने तो बस 2 दिन नौकरी की थी बापूजी, पर जब वो चली गई तो ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी पहचान छीन ली है। इन्होंने तो सालों साल वो नौकरी की है, इन पर क्या गुजरी होगी इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते हम लोग। मर्द कमा रहा होता है तो वो शेर होता है, लेकिन जब उसकी नौकरी चली जाती है तो उसके पंजे ही नहीं आत्मसम्मान भी छीन जाता है। हम मर्दों को बचपन से यही सिखाया जाता है कि औरत का काम घर संभालना होता है और मर्द का काम घर चलाना। इसीलिए हम जब घर नहीं चला पाते तो हर बात चुभने लगती है। अरे रिटायरमेंट के बाद तो ऐसा लगता है कि हमसे ज्यादा काम का तो घर का फर्नीचर है। और वनराज रिटायर नहीं हुआ, बेरोजगार हुआ है। उसको पता नहीं कैसा लग रहा होगा। बापूजी आप ही तो हमेशा कहते रहे कि समय की सबसे अच्छी बात है कि वो कैसा भी हो बदल जाता है। वो समय बदल गया तो ये भी बदल ही जाएगा है। हमारे हाथ में तो बस विश्वास और प्रार्थना करना है, तो वो करते हैं ना। हम बोले तू रुक, वनराज के बाजू में उसके बापूजी और बेटे बैठेंगे। ये पूजा जोड़ियों में नहीं होती है। इट्स ओके काव्या, तुम मेरे पास आ जाओ। कम तो चुप जा, तू बैठ जा, आप भी बैठ जाइए ना। समर समर कहाँ है? पूजा का समय हो रहा है, समर कहाँ गया? मम्मी आज नंदू गेट से ही वापस गई है, लेकिन कल पूजा में आएगी।